माय नेम इज गिनियन, यू आर वाचिंग अ न्यू वीडियो ऑफ लाडी कार एक्सेसरीज करमपुरा न्यू दिल्ली। और आज की वीडियो हम हर बार आपको कार में प्रोडक्ट इंस्टॉल करके दिखाते हैं, कार रेडी करके दिखाते हैं, बट आज की वीडियो कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया एंड इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपके साथ वो शेयर करूं, क्योंकि वो चीज बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम है। जो मेरे जितने भी व्यूअर्स या फिर मेरे कस्टमर्स, मैं कह सकता हूं, जो भी एक जो अपनी कार के अंदर एक अच्छा साउंड सिस्टम चाहते हैं, एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम चाहते हैं विदाउट चेंजिंग देयर हेड यूनिट। एक बहुत सारी ये मेजर प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों की कि मुझे यार कार का हेड यूनिट चेंज नहीं करना है, मुझे कोई और नहीं लगाना है, या फिर अगर हम बाहर अच्छे आउटपुट वाले स्टीरियोज मिलते भी हैं तो उसमें स्क्रीन साइज छोटी हो जाती है। और जितनी भी आज की यार बेसिकली कार्स आ रही हैं, चाहे XUV 700 आ रही हो या फिर और भी किया सेल्टॉस आ रही हो या क्रेटा के टॉप मॉडल आ रहे हो, उनके अंदर प्री इंस्टॉल्ड फैक्ट्री फिट स्टीरियोज आते हैं। हमारे पास ऑडियो सॉल्यूशंस के लिए क्या है जो हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट, एक बहुत आज जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बहुत एक रिलायबल, एक रीनोन प्रोडक्ट है। जो लोग इस प्रोडक्ट के बारे में जानते थे या जानते हैं उनको इसकी खासियत पता है, जो नहीं पता या फिर जो इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते उनको थोड़ी सी नॉलेज मैं आज दूंगा इस प्रोडक्ट को लेके। बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो समझ लो कि भाई होता है ना कि यार ड्रीम होती है कि हाँ मेरे को अगर ऑडियो सेटअप चाहिए, तो जितने भी एक पुराने रीनोन ब्रांड्स थे, अभी तो बहुत सारे ब्रांड्स एंटर हो गए मार्केट में, जितने भी पुराने रीनोन ब्रांड थे उनमें से एक ये था और एक बहुत तगड़ी मार्केट में होल्ड बना के रखा होता। बिकॉज कि यार ये पावर है, अगर आपको अपनी कार में अच्छी म्यूजिक चाहिए तो उसमें से एक ये चीज है। मैं आपके सामने प्राउडली प्रेजेंट करना चाहता हूँ आज ऑडिसन के स्पीकर्स। ऑडिसन के दो मॉडल्स अभी हमारे पास आए हैं और दोनों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं एमआरपी भी इसकी आपको बताऊंगा कि किस प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। एमआरपी पे आप हमारे से डिस्काउंट भी हम आपको ऑफर कर देंगे, जो भी एक बेस्ट प्राइजेस होंगे हम आपको देंगे, बट उसके लिए आप हमारे को कॉल कर सकते हो। बट फिर भी प्राइजेस, आरएमएस पावर, वारंटी कार्ड कैसा है, वन ईयर की वारंटी है इसकी, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। यहाँ पर दो मॉडल्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। द वन इज जो दो मॉडल्स हैं उनमें से जो फर्स्ट मॉडल है, जो एंट्री लेवल है हमारा कंपोनेंट का, उसका मॉडल नंबर हमारे को मिलता है APK 165। 300 वॉट पीक ये पावर इसकी होती है। और अगर मैं इसके जो मतलब जो बॉक्स के ऊपर लिखा, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं, जो बॉक्स के ऊपर लिखा जो जेन्युइन चीज है वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि इसके अंदर यहां पर आपको 300 वॉट पीक पावर मिलती है और 100 वॉट कंटिन्यूस पावर इसकी हैंडलिंग होती है। अगर आप इसको एम्पलीफायर से भी रन करते हो तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। अगर आप इसको डायरेक्ट चलाना चाहते हो तो भी आप इसको डायरेक्ट चला सकते हो। इसकी अगर मैं आपको स्पीकर का दिखाऊंगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर स्पीकर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ऑडिसन की यहाँ पे आपको कोन पे बैजिंग देखने को मिलती है, डिजाइन इसका ब्यूटीफुल है। अगर मैं इसको उल्टा करता हूं तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर भी देखने को मिलता है इसकी यहाँ पर, और प्राइमा AP 6.5 की बैजिंग 4 ohms पे 210 watt का ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्लस इसका जो ट्यूटर है, मेन जो चीज इसकी ट्यूटर है, जो खासियत है, वो यहाँ पर इसका आपको ट्यूटर देखने को मिलता है। इसकी ट्यूटर की कौन, ये कोई छनछन करने वाला ट्यूटर नहीं है, ये प्रॉपर क्लैरिटी देने वाला ट्यूटर है। अगर आपको चाहिए कि आपको ट्यूटर्स में से भी क्लैरिटी मिले ना, तो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप लगवा सकते हो। और साथ में एक ये क्रॉसओवर जिसके अंदर हमारे को यहाँ पर ट्यूटर्स की फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए भी मिल जाती है, 2 decibels पर या फिर 0 पर हम यहाँ पर अपने ट्यूटर्स की भी फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि हाउ मच वी वांट फ्रॉम द ट्यूटर, हमारे को ट्यूटर्स में से कितनी पावर चाहिए वो यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करता हूँ कि किस प्राइस रेंज का आपको ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा डिस्क्लोज करते हैं हम आपको 15,990 rupees की एमआरपी है, ये आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज का वन ऑफ द वेरी बेस्ट कॉम्पोनेंट जो मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पर हमारे लिए, हमने आपके लिए अवेलेबल कराया, और एक रिलायबल और एक ट्रस्टेड चीज जो अपनी कार के अंदर लगा सकते हो। सच में जो होते हैं कि भाई हाँ अब एक स्टेप ऊपर जाना है प्री इंस्टॉल्ड कार्स के अंदर, जो जब आप इतनी महंगी कार लेते हो उसका ऑडियो से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलती है, तो बाहर हमारे पास ऑडियो सॉल्यूशंस हैं जो आपको आपकी ऑडियो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका दूसरा कौन सा स्पीकर है, तो दूसरा इसका जबरदस्त चीज यहाँ पर जो एंट्री करती है ना, वो आउटस्टैंडिंग, जो मॉडल नंबर AP 165P का क्या मतलब है यहाँ पे, ये मॉडल नंबर चेंज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ स्पीकर दिखाऊंगा ना और दोनों को कंपेयर करूंगा तो क्या फर्क है, आपको यहीं पर ही कैमरा जस्टिफाई कर देगा। मैं हमेशा कहता हूँ कैमरा नहीं कर सकता, बट यहाँ पर कैमरा जस्टिफाई कर देगा कि क्या पावर है इसकी। 4 ओम्स पे 330 वॉट इसकी पावर है, 130 वॉट कंटिन्यूस हैंडलिंग है स्पीकर की, और क्या जबरदस्त ये स्पीकर है। यहाँ पर अगर आपको कौन दिखाऊंगा इसकी, तो आपको कुछ इस तरीके से कौन देखने को मिलती है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्पीकर, जो भी मतलब जिसके कॉम्पिटिशन स्पीकर होते हैं, जो आजकल इसके कॉम्पिटिशन में है, उनमें से वन ऑफ द वेरी बेस्ट, आप ये आंख बंद करके लगा सकते हो। बट
ये डायरेक्ट रन नहीं होगा, बिकॉज डायरेक्ट रन करोगे तो पूरी पावर इसको नहीं मिलेगी, पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी आपको, आगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, जो पैसे आप खर्च रहे हो उसका पूरा आउटपुट नहीं आएगा। इसके लिए आपको एक अच्छा एम्पलीफायर चाहिए, एम्पलीफायर कोई भी ऐसा जो 100 वॉट पावर इसको पूरी दे और आप इसका 100% रिजल्ट ले सको। दूसरी क्या खास बात है स्पीकर के अंदर, ये स्पीकर के ये वाले मॉडल के अंदर आपको क्रॉसओवर्स भी डबल देखने को मिलते हैं। दैट मींस हमारे जो जो स्पीकर है, जो हमारा वूफर है, उसको ड्राइव करने के लिए हमारा जो क्रॉसओवर है वो अलग है, क्रॉसओवर पे भी ऑडिशन की बैजिंग देखने को मिलती है। यहां पर हमारा सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमारी ये वूफर की इनपुट और ये वूफर को जो आउटपुट यहां पे जाएगी। वैसे सेम हमारा यहाँ पे ट्यूटर नजर आता है, क्रॉसओवर नजर आता है जो ट्यूटर को पावर करेगा। इसमें भी हमारे को इसकी +3 decibels और 0 पे हमारे को ट्यूटर्स की एडजस्टमेंट देखने को मिल जाती है, जो हमें जितनी पावर चाहिए होगी, हम क्या ड्राइव कर रहे हैं, कस्टमर का कैसा टेस्ट है, उनको कितनी की वोकल चाहिए अपनी कार के अंदर, ट्रेबल चाहिए अपनी कार के अंदर, तो सब यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू एन एम्पलीफायर। और ऑडिशन तो एक ब्रांड इतना मशहूर है कि इतनी इसकी लाइनअप, धीरे धीरे और लाइनअप हम भी ऐड करेंगे। वेरी फेमस जो इसका बिट 10 प्रोसेसर आता है वो भी बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। तो जिनको चाहिए ना कि हाँ यार जबरदस्त एक मेरे को आउटपुट दो कार में से निकाल के, जो कन्वर्टर्स में से नहीं निकल सकती है, और प्रोसेसर को लगाकर हम ट्यून कर सकते हैं, जो जब वो एंट्री मतलब हमारे पास आएगा तो वो भी आपको जरूर हम दिखाएंगे। यहाँ पर अभी ऑडिशन के दो मॉडल्स जो अवेलेबल, ऑडिशन के कौन से मॉडल मिलते हैं, प्लस इसकी एमआरपी रह गई। इसकी एमआरपी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी एमआरपी की बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 24,990, दैट मींस 25,000 रुपीज एमआरपी, और दिसंबर 21 मतलब 4 महीने पहले की इंपोर्ट का ये मतलब लेटेस्ट मॉडल है जो 4 महीने पहले इंडिया में इंपोर्ट हुआ होगा। और 25,000 रुपीज की एमआरपी के साथ आपको ये स्पीकर कंपनी ऑफर करती है, और जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा बेस्ट हम कर सकेंगे, जरूर आपके लिए करेंगे। कैसी लगी होगी वीडियो जरूर बताना, और ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।